तो तूने उन लड़कियों को मार दिया। ए, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। मुंह में दही जम गया क्या पांडे? जो कुछ तूने मुझे बताया साहब के सामने फिर से बोल। मैंने क्या बताया? मैंने कुछ नहीं बताया सर, मैं तो इनको देख ही पहली बार रहा हूं। मैं तुझे शक्ल से चूतिया दिखता हूं क्या? अब सीधे सीधे बताओ उन्हें कहां दफनाया है, वरना वो हाल करूंगा खुद को नहीं पहचान पाएगा। मैंने किसी का खून नहीं किया सर। मेरे ब्रेन में ट्यूमर है सर, बहुत बड़ा ट्यूमर है सर, और मैं किसी का खून क्यों करूंगा सर? देखिए इलाज है इसके ट्यूमर का, डॉक्टर सादिया को बुलाओ, इसके हालत से कन्फेशन निकालो। देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सब, मैंने उन्हें फोन कर दिया है, वो आने ही वाली सब। और अनाउंस कर दो टीवी पे, एक सीरियल किलर पकड़ा गया। तो धीरज पांडे कहाँ का है तू? कानपुर। यहाँ कैसे आया? पिताजी लेके आए थे, वो उनको नौकरी मिल गई थी ना यहाँ पे, तो साथ में। शादी हो गई? शादी हो गई? हुई थी, छोड़ दिया बीवी को। अच्छा, फिर शादी की क्यों? माँ बाप ने जबरदस्ती करवा दी, इसलिए कर ली थी। औरतों से घिन आती है या नामर्द है तू? दोनों। अपने आप को नामर्द मैंने खुद बनाया। एक रात सपने में देवी आई थी, उसने कहा मुझसे ऐसे करने को, तो मैं निर्वाणा नाम के एक कीड़े के पास गया और उसको बोला कि मुझे अपने जैसे बना दे, तो उसने बना दिया। और इस नेक काम की वजह? औरत की लत, उसकी आदत। सुबह शाम मैं औरतों के पास जाया करता था, सुबह शाम। फिर जब देवी का आदेश आया ना, तो मैंने इस फसाद की जड़ को ही काट के फेंक दिया। और शैतान होती है डॉक्टर, वो मर्दों को बहकाती है, इसलिए मैं नफरत करता हूं उनसे। अपने जूते पे मारता हूं, अपने जूते पे रखता हूं। नहीं, इससे कहीं ज्यादा करता है तू। उनकी जान ले लेता है, हाथ पैर काट के फेंक देता है, ऐसा दफनाता है कि पता ही नहीं चलता। औरत हो ना, इसलिए रंडियों को भी तरफदारी कर रही हो। तरफदारी नहीं, तुझे तेरा असली रूप दिखा रही हूं। चाहती हूं कि तू अपने अंदर के दरिंदे से मिले, अपनी गंदगी देखे, अपनी बदसूरती को पहचाने। चल अभी बस कर अभी। हाँ? क्यों? अरे नींद आ रही है मुझे। बर्दाश्त नहीं हो रहा, हैरान हूं मैं। तेरी आंखों में ना शर्म है ना पछतावा, इतना सब कुछ करके भी तू मुझसे नजरें मिला रहा है। चल अपनी बकवास बंद कर अभी।
फसाद की जड़ तो काट दी तूने, भूख तो अब भी है, औरत तो अब भी चाहिए तुझे। बस कर बोला ना। कुछ कर नहीं सकता ना, इसीलिए मार देता है, हाथ पैर काट देता है। चुप हो जा। और फिर मजे लूटता है। वो चीखती रही और तूने अपने कान बंद कर लिए। चुप हो जा ना। तेरे जैसे आदमी को तो रस्ते पे छोड़ देना चाहिए। चुप हो जा। ताकि लोग तेरे टुकड़े टुकड़े करें। बार बार नहीं हो सकता एक ही बात को। तुझे जला दें, तुझे फांसी पे चढ़ा दें। तू इसको पुलिस स्टेशन लेके जा, मैं बाकी विटनेसेस को लेके आता हूँ। मैं धीरज के घर जा रहा हूँ उसके बाप को लाने, और समीर भाई को बोल देना, समझा? ठीक है भाई। उसे बचाकर आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। गलती तू कर रहा है देवी के भक्त को फंसाकर। ऐसा श्राप दूंगी ना कि ठीक से मूत भी नहीं पाएगा। तो चल अब जा, बोल तेरे चमचे को उसे छोड़ने को। मैं उसे साथ ले जाने आई हूं, और बाकी छोकरियों का केस बंद कर। अभी याद रखना, एक लाल बत्ती ना मेरी गाड़ी के ऊपर भी है। क्या कर लेंगे आप, क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, बोलिए। देखना चाहता है, दिखाऊंगी तुझे। अभी एक फोन बजेगा, और उसके बाद जो तेरी हालत होगी ना, देख लेना। रात भर शादियों में नाचेगा, और दिन में सिग्नल पे भीख मांगेगा तू। मैंने तुझसे कहा था ना कि इस केस को छोड़ दे। अब संभाल अपनी नौकरी को, खान पांडे को जाने दे। हाँ सदा, पांडे छूट गया। कितनी देर पहले? 5 मिनट। पीछा करो जॉनी, देखो कहां तक जाते हैं। चल चल गाड़ी निकल। जी सर।